हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 19th चैप्टर दैट इज फ्रेजेस फ्रॉम पीसी देन इंग्लिश ग्रामर बुक क्लास 8। तो बेटा सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि एक फ्रेज होता क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसमें कुछ शब्द शामिल होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, कि फ्रेज जो है एक स्टैंड अलोन नहीं हो सकता। अब जो है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन फ्रेज कैन बी वेरियस टाइप। जो ऐसे हम इनके फ्रेजेस के टाइप देखें तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बेटा नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड। नाउन फ्रेज में क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें नाउन भी होता है, उससे अदर रिलेटेड वर्ड्स भी होते हैं जिसमें मॉडिफायर भी आते हैं और डिटरमाइन भी आते हैं, विच कम आफ्टर और बिफोर द नाउन। ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं और पहले और बाद में भी आ सकते हैं। इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, और ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह वर्क करता है। जैसे आई वॉन्ट समथिंग, तो ये समथिंग क्या है बेटा, समथिंग जो है एक नाउन है और ये वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1 ऑन पेज नंबर 116। अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमको नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा मैं केवल आंसर ही बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिज फादर विश टू स्पीक टू द हेडमास्टर। टू स्पीक टू द हेडमास्टर इसमें जो है फ्रेज है। नंबर 2, द विग्ड विजियर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। तो इसमें जो है फ्रेज है गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, ये हमारा इसमें नाउन फ्रेज है। नंबर 3, द पुअर डेब्टर इंटेंडेड टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी। तो इसमें जो हमारा नाउन फ्रेज है वो ये है टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी। नंबर 4, He dislikes having to punish his servant. तो इसमें जो noun phrase है हमारा having to punish his servants. Number 5, horses prefer living in dark stables. तो इसमें हो जाएगा living in dark stables, ये हमारा noun phrase है। Number 6, I should hate to do such a thing. तो to do such a thing इसमें noun phrase है। Number 7, Have you ever tried climbing a coconut palm? तो इसमें जो noun phrase है climbing a coconut palm। Number 8, Thinking good thoughts precedes good action। तो इसमें हो जाएगा noun phrase thinking good thoughts। तो ये बेटा हमारी exercise 1 है। अब जो होता है adjective phrase होता है। adjective phrase क्या होता है, यदि किसी noun से पहले कोई adjective दिया हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, रिप्लेस द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें जो एडजेक्टिव दिया है इसके बदले हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव फ्रेज लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमें इसको रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा द रोज इज अ फ्लावर ऑफ ब्यूटी। नंबर 2, A courageous man does not fear danger. तो इसका आंसर बन जाएगा A man of courage does not fear danger. Number 3, heroic deeds deserve our admiration. तो इसका आंसर बन जाएगा Deeds of heroism deserve our admiration. Number 4, much has been said about the Swiss scenery. तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा रिप्लेस करके Much has been said about the scenery of Switzerland. Exercise 3 में क्या करना है, replace the adjective phrase in the following sentence by adjective. अब इसमें क्या करना है, adjective phrase को हटाना है और इसकी जगह हमें क्या लगाना है, adjective. तो first है, some of the buildings in the New York are of great height. तो इसका आंसर बन जाएगा some of the buildings in New York are very high. Number 2, Nelson was a boy without fear. तो इसका आंसर बन जाएगा Nelson was a fearless boy.
नंबर थ्री, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो इसका आंसर बन जाएगा इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सनसेट। नंबर फोर, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर, तो इसका आंसर बन जाएगा नोबडी लाइक्स अ टेम्परामेंटल पर्सन। नाउ बेटा फोर्थ एक्सरसाइज, सब्सटीट्यूट एडवर्ब विद द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें जो एडवर्ब हैं इनके प्लेस पे हमको क्या लगाना है, एडवर्ब फ्रेजेस लगाना है। नंबर फर्स्ट है दैट बॉय वर्क्स विद एनर्जी, तो इसका बन जाएगा दैट बॉय वर्क्स एनर्जेटिकली। नंबर टू, आई विल बी विद यू इन अ शॉर्ट टाइम, तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा आई विल बी विद यू शॉर्टली। नंबर थ्री, ही सफर्ड विद पेशेंस, तो इसका बन जाएगा ही सफर्ड पेशेंसली। नंबर फोर, ही मेट हिज मिसफॉर्च्यून विद करेज, तो इसका आंसर बन जाएगा ही मेट हिज मिसफॉर्च्यून करेजियसली। नंबर फाइव, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट विदाउट रिजर्व, तो इसका आंसर बनेगा आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट अनरिजर्वली, अनरिजर्वली। नंबर फाइव एक्सरसाइज, फ्रेम सेंटेंस कंटेनिंग द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेज, अब हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं इन एडवर्ब फ्रेज का यूज करके। तो नंबर फर्स्ट का आंसर बनेगा वी हैव टू अर्न एट ऑल कॉस्ट। नंबर टू, ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं, मैं अपनी तरह से यूज कर रहा हूँ, आप अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, ही स्टार्टेड इन अ हरी। नंबर फोर, द कुक्स डू एवरीथिंग टू माय सेटिस्फैक्शन। नंबर फाइव, आई हैव केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की। नंबर सिक्स, ही लेफ्ट दैट जॉब फॉर गुड। तो बेटा ये 19 चैप्टर का सॉल्यूशन था, आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें जरूर बताया करिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और वीडियो कैसा लगता है आप अपनी जो लाइक और डिसलाइक जरूर करा दीजिए, ये तो फ्री में बनता ही है।